हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। ये मुझसे जबरदस्ती ब्लॉगिंग करवा रहे हैं क्योंकि मेरा भी मन नहीं है, मेरे को जबरदस्ती मार पीट के मेरे को ब्लॉगिंग करो। कल हम रायगी गए थे तो आज सुबह हम मनोल जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले ज्येष्ठ जो महाराज है बाशिक महाराज उनके मंदिर पहुँचे हैं, तो अभी हम यहाँ माथा टेकेंगे, उसके बाद हम हनोल जाएंगे। तो आज का दिन भी हमारा पूरा मंदिर को, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद घर आते हैं, तो सबसे पहले हम जैसे ही घर आते हैं तो पहले हम महाराज के द्वार में जाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे पहले महाराज की ब्लेसिंग है, उसके बाद कुछ और। तो देखो गाइस कितने काले हो रखे पिंकी, घर की घर में तो काम भी करना नहीं और काला भी होना है। बेइज्जती करवा ली मेरे पति से, संपर्क करें। तो इसके बाद हम जाएंगे हनोल, और हनोल से भी आप महाराज से दर्शन करवाएंगे और रूबरू करवाएंगे, महाराज के दर्शन से ब्लेस करवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। भाई बहन क्या चुगलियां कर रहे हैं मेरी, खासकर मेरी चुगलियां और रेणी। तो ये है बाशिक महाराज ना, बाशिक महाराज का मंदिर। कुछ एक्सप्लेन करो ना महाराज के। चार मासों में सबसे बड़े महाराज है। अच्छा, तो आपको तो आप तो आप तो आप 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 तो नॉलेज से बहुत भरपूर है यार। फोटो का शौकीन बन गई फोटो। तो हम निकल रहे थे तो मम्मा बोले कि फोटो बनाते हैं, फोटो का बहुत प्रेमी है भाई। तो अनोल के आधे रास्ते में हमारे को मिले बूटे वाले अंकल, इन्हें इतने सिस्टमेटिक ही बनाया है अपने लिए यहाँ पे। देखिए ये बैरियर लगाया हुआ अपने पास कि हीट इधर ना पास हो, और लंबी सी एक रोड लगाई हुई है और सीधा वहाँ जाता है बूटा बनने के लिए। तो दो बूटे बनाए हमने, मैंने विक्की भाई ने, और मम्मा और पिंका तो अंदर है। कहाँ है मेहनत में आपका घर? हाँ जी। अच्छा, ये देखिए अलग अलग पीस तोड़ दिया अंकल ने मान लिए। थैंक यू, हम आनंद लेते जरा अभी पिंका वगैरह देखते हैं क्या करते हैं। वाह यार मजा आ रहा। मिर्च लगाई है इसमें? हाँ मैंने बोला मम्मी ठीक लग रहे हैं। अच्छा है। तो हनोल 1 किलोमीटर दूर रह गया है और महाराज का मंदिर यहाँ से दिख रहा था। जय हो महाराज। तो हम हनोल पहुंच गए अभी, हनोल मंदिर परिसर में। यहाँ पर प्रसाद ले गए अभी। क्या क्या लेना अभी लाटा? श्रीफल लेना है और धूप के लिए लेना चुंगी। ओके, प्रसाद ले लिया अभी सतपाल की दुकान पर ना। और अभी मंदिर परिसर को आगे बढ़ रहे हैं मैं और पिंका। यहाँ पर महाराज के जो मान्यता, आजकल तो इतने ज़्यादा लोग नहीं है क्योंकि बरसात ज़्यादा हो रही है। चलो रूबरू कराते महाराज के दर्शन से। चलो फ्रंट कैमरे की ओर मूव करते हैं आपको यहाँ से महाराज का। ये है गाइस महाराज का मंदिर यहाँ पर हनोल में, और हनोल मंदिर का परिसर अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। अभी यहाँ पर बिठाया गया है इसको, मिट्टी को खोदने से, क्योंकि काफ़ी हाइट होता था, स्टेयर्स नीचे जाती थी, अभी समतल बना दिया है इसको यहाँ पे। चल 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 तो ब्लेस्ड हो जाइए और महाराज के दर्शन कीजिए। तो हमारे दर्शन अच्छे से हो गए हैं मासू महाराज के पास, हमने अच्छे से हुआ ना दर्शन। आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि जब भीड़ होती है तो अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते। आज बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और हमने जो महाराज का यहाँ पे बकरे होते हैं जो लोग छोड़े होते हैं, उस पर बोलते हैं कि पानी डालना पड़ता है, तो वो मतलब जो हमारी इच्छा होती है वो पूरी करते हैं महाराज जी, तो हमने वो भी कर दिया है। तो अब हम घर चलते हैं, फोटो लेते हैं। अब देखो मम्मी ने स्पेशली बोल दिया फोटो लेते हैं,
और मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं, मंदिर का परिसर का भी थोड़ा आपको रूबरू करवाते हैं मंदिर परिसर से भी। ये है गाइस हनोल मंदिर परिसर, ये देखिए बिक्की भाई सेल्फी ले रहे हैं। जी एरिया इधर एग्जिट और एंट्रांस है कि यहाँ पे गाइस हम निकल चुके हैं अभी वापसी घर के लिए, और यहाँ पर थोड़ा तंग है रोड भी। क्या हुआ? हम दारमी गार्ड पहुंच चुके हैं। यहाँ का नाम है दारमी गार्ड, जिसको बोलते ना विष देते हैं, विष का मंत्र वाला पानी यहाँ पर दिया जाता है गाइस। यहाँ का नाम है दारमी गार्ड। बट मम्मा कहना कि है तो खुला, बट है कोई है नहीं यहाँ पे जो स्पेशली मंत्र करते हैं, जिसका पानी ढूंढना आए हैं। बट स्पेशल डे मिलता है संडे एंड ट्यूसडे को यहाँ पे। बट मम्मा बोल रहे कि अगर मिल जाए तो क्या पता रिक्वेस्ट करके मान जाए, बट मिले नहीं वहाँ पे। सेब बड़ा है खुद छोटी है? मेरे पापा का सेब है। तो हमें हो गया यहाँ पर काफ़ी समय दारमी गार्ड में रुक के, तो बीच के पानी के लिए हम वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पिंकी वगैरह नहीं वेट करवा रहे बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, थक तो गया हूँ बहुत मैं गर्मी से, बट क्या करूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कर रही है पिंकी के ड्रामे में, अगर क्या करना लड़ा लड़ा करके वो सो गोलू का मार्केट यहाँ पर त्यूनियम। गोलू जानते हो? हियर इज गोलू, स्मार्टी बॉय। क्या क्या मिलता है गोलू तेरे मार्केट त्यूनी में? जो चाहिए एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मिलता है, सब चीजें मिलती है भाई गोलू की मार्केट में। और बता गोलू कब जा रहा देहरादून? देहरादून वाकर प्लस टू के बाद एक ब्रेक मिलता लंबे वाला है। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे पापा के साथ। ओ भाई दिहाड़ी मजदूरी बिना पैसों की। अच्छा जो लाखों रुपए लग रहा है बीटेक करने के लिए, वो कौन से कहाँ से आ रहे हैं? अभी लगे नहीं है, अभी तो ट्रेलर था है। चलो अभी मैं और गोलू ना ऊपर जा रहे रायगी वापस वाइफ वगैरह को छोड़ने। वैसे मैं तेरे को भेजना था यार सेब की पेटी ऊपर से एक दो तो डालनी है साथ के लिए। ड्रॉप कर लिया है पिंका वगैरह को वापस रायगी, तो और मैं गोलू वापस जा रहे। मैंने गोलू को स्पेशली अपने साथ लाया था कि वापसी के लिए मेरे साथ होगा, तो अभी भाई बोला मैं ड्राइव करता हूँ, तो भाई ड्राइव करा तो मैं थोड़ा चिल मारता हूँ, थोड़ा एसी एसी की हवा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा वैसे भी। और बता गोलू क्या सीन है पानी फिर मौज में? जाके अभी डांट खाने वाले, अभी जाके डांट खानी पापा की है ना। चलो गाइस मिलते हैं आगे, जब थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह लेना है, कुछ परचेजिंग करनी है, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। पापा मिल गए थे रास्ते में, बस बाय कर दी है, अब निकल रहे हैं, क्योंकि इनका भी वेट कर रहा था मैं कि रास्ते में तो मिल ही जाएंगे वापस आती बार, तो मिले यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, बस अब चल रहे हैं। भाई तो हैवी ड्राइवर हो गया वहाँ ही कौन है क्या? गाइस देखिए बैलों का जमाना गया और मशीन का जमाना आया, पर हमारा थोड़ा अपना अलग सिस्टम चल रहा है। ओ पाड़ा
आरजू ये देखिए थकान थकान देखिए इनके चेहरों पे थकान देखिए ये क्या हो गया मिट्टी मिट्टी हो गया आरजू कोई नहीं ना आ जाएंगे काफी लेट हो गई थी तो फिर रात को कुछ काम करना था तो इन फोटो के साथ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। तो गाइज बने रहिए पिंक अमित ब्लॉग्स पे और बहुत सारा प्यार देते रहिए जिस प्रकार आप प्यार दे रहे हैं और आपको भी मैंने जैसे कि महाराज के दर्शन से ब्लेस्ड करवाया तो कमेंट में जरूर कीजिए।